हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तैयार हो गई हूँ दिया को स्कूल से लाने के लिए और आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। जिम से आकर नाश्ता किया, ननद ने मेरे पोहे बनाए थे और स्प्राउट भी खाया और नहाने के बाद बाल आप देख सकते हैं काफ़ी गीले हो रहे हैं। बाल धुला नहीं पर ये पसीने से और पानी से इतने गीले हो रहे हैं तो बाल मैंने खुले छोड़ दिए हैं और बाहर भी काफ़ी धूप है, गर्मी है। तो हम दोनों बस अब निकलने वाले हैं, दिया को लेकर आएंगे। दिया इंतजार कर रही होगी, 11:30 उसका टाइम होता है, बस 5 मिनट बचा है। तो अब बस मैं निकल रही हूँ दिया के स्कूल के लिए और उसको लेकर आऊँगी, फिर लंच को प्रिपेयर करना है और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं। आ रहे हैं हम, बाहर चप्पल पहन रहे हैं। हम लोग निकल रहे हैं घर के पिछले दरवाजे से, इधर से मैं आपको दिखाती हूँ इस दरवाजे से। मैं आ गई हूँ दिया को लेकर स्कूल से और उसके स्कूल में आज काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि हमें प्रिंसिपल से मिलना पड़ा। दिया की क्लास का एसी जो है ख़राब हो रखा था, नहीं चल रहा था, तो वो काफ़ी गर्मी में थी तो मैं चली गई थी थोड़ा सा उनसे बात करने, क्योंकि वो बहुत ही कोऑपरेटिव लेडी हैं और बहुत अच्छे से बात सुनती हैं। तो दिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी गर्मी से और यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, तो मैंने सोचा एक बार जाकर उनसे बात कर लेती हूँ कि एसी का क्या मामला है, क्योंकि क्लास टीचर से कहने के बाद भी काम नहीं हुआ था। तो हम चले गए थे और वहाँ हम 1 घंटा बैठ गए तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया मुझे आने में। तो अभी मैं जस्ट आई हूँ किचन में और दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो मैं फटाफट अपना काम निपटाऊँगी, सब्जी और दाल वगैरह जो भी बनाना है वो सब बनाऊँगी। क्या वो बीबी, अभी दाल कौन सी भिगोनी है? कौन सी बनाए दाल? आप बताओ। सोच के गई नहीं थी, भिंडी निकाली पड़ी है, ये मैं भिंडी निकाल कर गई थी और थोड़ी सी दिया को बना कर दी थी पूड़ी के साथ और बाकी थोड़ी धूल कर रख कर गई थी। तो मैं देखती हूँ कि आज कौन सी दाल बना सकते हैं। बेबी वो लाइट जलाना किचन का। तो दाल कौन सी बनाएं, हमारे घर में डेली अलग अलग दालें बनती हैं तो समझ नहीं आता। आज ऐसा करते ना, ये हरी वाली मूंग दाल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा भिगो लो, शाम को दूसरा बना लूंगी मिक्स वाला, ठीक है? इसमें कुछ मिला ले, अरहर मिला ले इसमें, है ना? थोड़ी सी अरहर की दाल मिला लो एक मुट्ठी और बाकी ये। अच्छा, ये चने की दाल का डिब्बा आ गया मेरे हाथ में तो मैं निकाल देती हूँ अरहर की दाल। ग्रीन मूंग दाल के साथ अरहर की दाल काफी अच्छी लगती है। थोड़ा सा मिलाना है ना, 2 मुट्ठी है और 1 मुट्ठी है, एक कटोरी में पूरा ले लेना। और मैं जाती हूँ भिंडी काटने पर, भिंडी कम है तो आई थिंक एक और सब्जी बनानी पड़ेगी। बच्चों की भिंडी तो बनी पड़ी है पर हमारे बड़ों की एक और सब्जी बनाती हूँ। मैं देखती हूँ फ्रिज में और क्या क्या है, फ्रिज में और क्या है। चौलाई, चौलाई है, चौलाई की फली बनाते हैं, इसको भी बना लेती हूँ। क्या बेटा? अच्छा, चौलाई की फली भी बना लेते हैं। ये चौलाई भी मैं लेकर आई थी पतली पतली, यहाँ पर बहुत पतली चौलाई की फली मिलती है और हमारे से यूपी साइड में इसको बोलते हैं बोड़ा बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे बोड़े के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बोलते हैं चौलाई की फली। तो इसकी भी सब्जी मैं बना ले रही हूँ, इसकी कटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा हालांकि। हाँ, दाल ठीक है इतना। हाँ,
आधा घंटा भिगो देंगे ना जल्दी बन जाएगा। ज्यादा यार चोला ही काटने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। मैं काटती हूँ। एक बज गया ना। आज बहुत लेट हो गए हैं हम लोग लंच के लिए। 1:30-2 बजे हमारे यहाँ लंच होता है और अभी तक मैं सब्जी काटने में लगी हुई हूँ। सब्जी भी नहीं कटी है। देखते हैं फटाफट कैसे लंच तैयार करती हूँ आज का। पहले मैं दाल के डिब्बे हटा दूँ। आज मैंने पहनी थी ये नई कुर्ती जो कि पूरी गाउन लुक की है। आप सब देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे तक है, एकदम लंबी है। लंबी कुर्ती डाल रखी है मैंने, फर्स्ट टाइम पहनी थी। इसका कलर मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी हल्का भी है गर्मी के हिसाब से, तो आज मैं यही पहन के चली गई थी और काफ़ी कंफर्टेबल है। किचन में भी बहुत अच्छा लग रहा है ये। नहीं खा पाए थे हम लोग सुबह। खाए क्या थे वो? खाते-खाते फिर नहाना पड़ा, टाइम बहुत लग रहा था ना, सुपर में खा ही नहीं पाए। आज हम लोगों ने नाश्ता भी फिनिश नहीं कर पाए थे ढंग से क्योंकि जिम से आने में लेट हो गया, फिर बहुत गर्मी लग रही थी। स्प्राउट खाया, फिर पोहा पड़ा रह गया, तो अभी थोड़ी भूख भी लग रही है इसलिए फटाफट खाना बनाएंगे। ये गाय की पूड़ी छोटी सी गाय को डलवाएंगे। मैं काट रही हूँ भिंडी फटाफट जिससे कि जल्दी से जल्दी खाना बन जाए। और गैस पर एक कढ़ाई रखी थी जिसमें दिया के लिए सुबह भिंडी बनाई थी, तो मैंने सोचा उसी में सब्जी बना लेती हूँ। और मैंने उसका गैस भी ऑन कर दिया, तेल भी डालकर धीमी आंच पर छोड़ दिया था जिससे सब्जी छौंकने में बिल्कुल भी टाइम न लगे। फिर मैंने सोचा कि भिंडी से पहले मैं प्याज काट लेती हूँ और तब तक तड़के में प्याज डाल दूंगी जिससे कि प्याज भुनती रहेगी और फिर भिंडी बाद में काट लूँगी। तो फिर मैं प्याज काट रही हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, सब लंच का वेट कर रहे थे। और यहाँ पर मैं वापस से भिंडी काटने लगी हूँ। भिंडी में मैं आज अलग तरीके की बना रही थी, थोड़ी सी अलग शेप में काट कर एक भिंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टुकड़े कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि भिंडी अलग तरीके से बनाना, छोटी छोटी गोल गोल काट कर मत बनाना। हम लोग भिंडी कई तरीके से बनाते हैं तो ये हमारा एक अलग तरीका है जिसमें भिंडी को हम थोड़े तिरछे शेप में काटते हैं। और यहाँ पर गैस के तीनों बर्नर पर कुछ न कुछ चढ़ा हुआ है। एक साइड दाल है, बीच में ब्राउन राइस, साथ ही दूसरे साइड भिंडी की सब्जी। क्या कर रही है बेटा? दिया तुम्हारा बैग रख दूँ रूम में? बैठे ना थोड़ी देर पंखे में। जाली में मैंने भिंडी की सब्जी छौंक दी है, दाल चढ़ा दिया है और ब्राउन राइस चढ़ा दिए हैं, तो गैस अभी खाली नहीं है तो थोड़ी देर के लिए मैं आकर बैठ गई हूँ वॉल में। और दिया ने अपनी चीज़ें बिखरा रखी थी, बैग उसका ऐसे ही पड़ा था तो मैं वो उसके रूम में डाल कर आई। और आप देख सकते हैं गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ये हमारे घर का मेन गेट है और काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आती है। घर के सामने ही रोड है और ननद मेरी दूसरी चौलाई की सब्जी काट रही हैं, वो धुल कर रख रही हैं। बेबी वो दाल वाली गैस धीमी कर देना। तो बच्चे खेल रहे हैं, दिया स्कूल से आने के बाद सीधे खाना ही खाती है,
कभी कभी कुछ फ्रूट वगैरह खाती है, पर आज उसका मन नहीं था क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो बोल रही है मैं सीधे खाना खाऊंगी तो भी रोटी बनाऊंगी तो दिया खाना खाएगी। दिया के लिए भिंडी की सब्ज़ी है, उसे नाश्ते में भी दिया था और जब भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो दोपहर में भी ज़रूर खाती है, तो इसलिए मैं निश्चित हूँ कि दिया तो रोटी से भिंडी की सब्ज़ी और दाल खा लेगी, तो इसलिए मैं अब बस रिलैक्स होकर बैठी हूँ। ये दिया आ गई, चश्मा लगा के घूम रही हैं। दिया मेरी स्मार्ट लग रही है ना, मैंने दिया स्मार्ट लग रही है। मोनू क्या कर लिया? मोनू कुछ नहीं बेटा, मैं तो बैठी हूँ ऐसे, गर्मी लग रही है ना, खाना बन रहा है। तो मैं आ गई हूँ किचन में वापस से, मैं चेक कर लेती हूँ भिंडी की सब्जी को। भिंडी की सब्जी बस लगभग अब बनने ही वाली है, 2 मिनट इसे भूनूंगी तो सब्जी तैयार हो जाएगी। भिंडी की सब्जी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, इसे प्याज हरी मिर्च का तड़का लगाया और भिंडी डाली, साथ ही इसमें जीरे का तड़का लगा दिया था और बस अब सबको साथ में भून रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था, दाल को भी सिंपल चढ़ा दिया है नमक और हल्दी डाल के, और इसमें मैं तड़का लगाऊंगी सूखी मिर्च, हींग और जीरे का, तो काफ़ी टेस्टी लगती है दाल इस तरह से तड़का लगाने से। तो मैं वापस से एक बार हॉल में जाकर बैठूंगी। भिंडी की सब्जी में अभी डालेंगे लास्ट में थोड़ा सा अमचूर पाउडर, तो उससे भिंडी में खटास बहुत अच्छी आती है। आप चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, मैं अमचूर डाल रही हूँ। और बस इसके बाद भिंडी की सब्जी का गैस बंद कर दूंगी मैं, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब वापस से मैं आ गई हूँ चौलाई की सब्जी छोंकने के लिए। चौलाई की सब्जी भी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, तेल में जीरे का तड़का, फिर आलू और चौलाई, और उसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक सिंपल गला लेते हैं और लास्ट में टमाटर और अमचूर का पाउडर डाल देती हूँ, तो सब्जी में एक अलग सा टेस्ट आता है। बस चौलाई हम इसी तरीके से बनाते हैं, कभी कभार थोड़ा ज़्यादा मसाले की बना लेते हैं पर ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं चौलाई की सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। छोटा, इससे भी छोटा। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम।